5 साल के बाद भी कुंडली भाग्य को अलविदा नहीं कह पाए धीरज धूपर। फैंस के दबाव में आकर बदला शो छोड़ने का फैसला। जी टीवी का पॉपुलर शो कुंडली भाग्य इन दिनों अपनी कहानी से ज़्यादा अपनी स्टार कास्ट को लेकर न्यूज़ में है। रिसेंटली खबर आई थी कि धीरज धूपर कुंडली भाग्य को अलविदा कहने वाले हैं। ये खबर सामने आते ही सीरियल कुंडली भाग्य के फैंस काफ़ी अपसेट हो गए थे। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि मेकर्स ने धीरज धूपर का रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लिया है। खबर आई थी कि कुंडली भाग्य में शक्ति अरोरा धीरज धूपर को रिप्लेस करने वाले हैं। लेकिन अब धीरज धूपर से जुड़ा एक और अपडेट सामने आया है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि धीरज कुंडली भाग्य को हमेशा के लिए अलविदा नहीं कहेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, धीरज धूपर हमेशा के लिए कुंडली भाग्य को नहीं छोड़ने वाले हैं। धीरज धूपर बस कुछ समय के लिए ही कुंडली भाग्य को बाय कहेंगे। खबर है कि धीरज धूपर ने कुछ समय पहले ही एक पंजाबी फिल्म साइन की है। अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद धीरज कुंडली भाग्य में फिर से वापसी करेंगे। तब तक शक्ति अरोरा शो में करण लूथरा बनकर फैंस को एंटरटेन करते नजर आएंगे। धीरज 5 जून को कुंडली भाग्य के आखिरी एपिसोड की शूटिंग करेंगे, जिसके बाद धीरज 3 महीनों के लिए कुंडली भाग्य में नज़र नहीं आएंगे। 3 महीने बाद धीरज शो में दोबारा वापसी करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुंडली भाग्य में जल्द ही 5 साल का लीप आने वाला है। लीप से ठीक पहले धीरज शो से ब्रेक लेंगे। ये खबर सामने आने के बाद फाइनली कुंडली भाग्य के फैंस ने राहत की सांस ली है। नागिन 5 के दौरान भी जब शरद मल्होत्रा को कोरोना हो गया था, तो उस दौरान धीरज धूपर ने कुछ समय के लिए शरद मल्होत्रा की जगह ली थी। ठीक इसी तरह शक्ति अरोरा भी कुछ समय के लिए कुंडली भाग्य में धीरज धूपर को रिप्लेस करेंगे। वेल, इस पूरी खबर पर आपका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।